SCM solution, chapter 15, wave motion, question number 29. A 200 hertz wave with amplitude 1 mm travel on a long string of linear mass density 6 gram per meter kept under a tension of 60 newton. Find the average power transmitted across given point on the string. Find the total energy associated with the wave in a 2 meter long portion of the string. Okay, तो अपने को frequency दे रखा है, amplitude दे रखा है, mass per unit length given है, tension दे रखा है और पूछा average power. तो सबसे पहले एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मास पर यूनिट लेंथ स्पीड इनटू एम्पलीट्यूड स्क्वायर एंड इनटू एंगुलर स्पीड का स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे अपने को डेटा अपने पास ये है, एम्पलीट्यूड है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी नहीं है. तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होता है, 2π न्यू, तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या चाहिए अपने पास, वी चाहिए. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, T/μ, √T/μ. तो टेंशन कितना अपने पास 60 और मास पर यूनिट लेंथ 6 × 10⁻³, तो यह आ जाएगा 10⁴ ऊपर आ जाएगा, तो 10⁴ का रूट आ जाएगा 100. तो अपने पास स्पीड भी आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड. वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 6 × 10⁻³ स्पीड है अपने पास 100, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर यानी 10⁻⁶, ओमेगा का स्क्वायर यानी 4π² इंटू न्यू का स्क्वायर यानी 4000. ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा 48 × 10⁻², यानी कि अगर पावर को अपन 0.48 लिख सकते हैं, वोट में आ जाएगा ये अपना पावर आ जाएगा. कौन सा पावर, एवरेज पावर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द वेव इन 2 मीटर लॉन्ग पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग. एनर्जी कितना एसोसिएटेड है वो बताना है. देखो पावर निकाल चुके, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पावर होता है अपना एनर्जी अपॉन टाइम. तो एनर्जी क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम, राइट. तो अपने को पावर इंटू टाइम करना है, बट अपने पास टाइम भी नहीं है, अपने पास स्पीड है और डिस्टेंस है. तो टाइम क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड. तो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा पावर इंटू डिस्टेंस बाई स्पीड. ओके, तो पावर अपने पास 0.48 है, डिस्टेंस बोला 2 मीटर और स्पीड है अपने पास 100. तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक गलती, अब मैंने यहाँ पे पाई को पाई स्क्वायर को 10 लिया था, इसलिए 0.48 आया. अगर मैं पाई स्क्वायर को 3.14 लेके सोल्व करता हूँ एग्जैक्ट, तो मेरा एवरेज आ जाएगा, 0.47. ठीक है, यहाँ मैंने पाई स्क्वायर को 10 लिया इसलिए 0.48 आया, बट अगर मैं 10 नहीं लेता हूँ तो 0.47 आएगा. तो यहाँ से अगर मैं 0.47 से सोल्व करता हूँ तो 0.47 से मेरा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे एनर्जी आ जाएगा 9.46 मिली जूल. ठीक है, 10⁻³ आ रहा था इसलिए मिली जूल लिख दिया.